हेलो फ्रेंड, आज मैं बनाने वाली हूँ ब्रेड रोल। अगर आपने हमारे चैनल को पहले ही सब्सक्राइब कर लिया है तो बेल आइकन पर क्लिक करें, जिससे हमारे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे। तो इसके लिए फ्रेंड, ये मैंने 8 से 10 आलू लिए हैं और ये मैंने खड़ी धनिया और खड़ी सौंफ जो 1-1 चम्मच ली है। ये धनिया सौंफ को तवे पे डाल के हल्का रोस्ट कर लेना है। गैस को मीडियम कर लेंगे। और वापस इसको किसी बाउल में निकालेंगे। तो अब फ्रेंड, जो मैंने ये आलू लिए थे, इनकी फिलिंग तैयार करेंगे। इसके लिए इन उबले हुए आलूओं को मैश कर लेंगे। आलूओं को मैश कर लिया, अब इसमें कुछ मसाले डालूंगी। ये मैंने 1 इंच अदरक का टुकड़ा, जिसको मैंने बारीक काट लिया है, तो ये डाल देंगे। गरम मसाला 1/2 चम्मच से भी कम है, मिर्च 1/2 चम्मच और धनिया 1 चम्मच। फ्रेंड, ये धनिया पाउडर था और अब बारी आती है साबुत धनिया और सौंफ के। तो फ्रेंड, अगर ये आपके पास अवेलेबल है तो आप इसको डालें, अगर नहीं है तो आप इसको स्किप कर सकते हैं। तो फ्रेंड, ये मैंने हरी मिर्ची 2 बारी काट के डाली है और ये 1 टेबल स्पून बारीक कटी हुई हरी धनिया है, इसको भी इसमें डाल देंगे। फ्रेंड, फिलिंग बनाते समय आप ध्यान रखें कि गरम आलू में नमक बिल्कुल भी नहीं डालें, नहीं तो आलू गीले हो जाएंगे। ये नमक स्वादानुसार। अब इसको मिक्स कर लेंगे। ब्रेड रोल के लिए फ्रेंड, ये मैंने ब्रेड ले ली है और इसकी ये फिलिंग भी बना के तैयार कर ली है। तो अब हैंड में थोड़ा सा इस तरीके से ऑयल लेंगे और इस तरीके से हैंड में फिलिंग लेके इनकी छोटी छोटी गोलियां बना के तैयार कर लेंगे। आप चाहें तो इसको इस तरीके की गोल शेप दे सकते हैं और चाहें तो इस तरीके की सेप भी दे सकते हैं। ऐसे ही फ्रेंड सारी फिलिंग की गोलियां बना के तैयार करेंगे। तो अब फ्रेंड, किसी बर्तन में इस तरीके से पानी ले लेंगे और इस तरीके से एक एक करके ब्रेड को उठाते जाएंगे। आप चाहें फ्रेंड तो इनकी ये किनारियां भी निकाल सकते हैं। फ्रेंड, इस तरीके से ब्रेड को डिप करेंगे और निकाल लेंगे। अब फ्रेंड, इसको अच्छे से दबा के निचोड़ देना, जिससे इसका सारा पानी बाहर निकल जाए। जितना हो सके निचोड़ के पानी को निकाल देना है। और अब इस तरीके से इसमें फिलिंग को रखना है और इस तरीके से इसको दबा के चारों साइड से इसको बंद कर देना है। फ्रेंड, इसमें मैंने ये किनारी नहीं निकाली है। अगर आप चाहें तो इन किनारियों को निकाल के रख लें और उनका ब्रेड क्रम्स वगैरह बना सकते हैं, कटलेट में या किसी भी चीज में आप यूज कर सकते हैं। फ्रेंड, इसी तरीके से सारे ब्रेड रोल को बना के तैयार कर लेंगे और इसको 15 से 20 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए रख देंगे, जिससे ये ऊपर से हल्के ड्राई हो जाए। फ्रेंड, अगर आप चाहें तो इसको ऐसे भी सेक सकते हैं, पर ऐसे सेकने से ये कुछ देर के लिए तो क्रिस्पी रहेंगे, पर ठंडे होने के बाद ये वापस फिर से सॉफ्ट हो जाएंगे। पर अगर ये हल्के से ड्राई हो जाएंगे इसके बाद आप सेकेंगे, तो इसको आप कितनी भी देर तक रखे रहें, ये अच्छे से क्रिस्पी ही रहेंगे। फ्रेंड, 15 मिनट हो चुके हैं और आप देख सकते हैं ये थोड़े से ड्राई भी हो गए हैं। अब एक कढ़ाई में ऑयल गरम करेंगे और इन सारे ब्रेड रोल को मीडियम आंच पर गोल्डन ब्राउन होने तक सेक लेंगे। तो फ्रेंड, ब्रेड रोल बनके तैयार हो गए हैं। फ्लेम को ऑफ करेंगे और सारे ब्रेड रोल को निकाल के
टिश्यू पेपर में रख लेंगे जिससे इनका एक्स्ट्रा ऑयल निकल जाए। तो फ्रेंड इस तरीके से सारे ब्रेड रोल बनके तैयार हो गए हैं और अब ये सर्व करने के लिए भी तैयार हैं। फ्रेंड आप इसको सॉस के साथ या फिर हरी चटनी के साथ इनको सर्व कर सकते हैं, ये बहुत ही टेस्टी लगते हैं। तो फ्रेंड अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आई है तो आप हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल पर क्लिक जरूर कर दें जिससे हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो फ्रेंड इसी तरीके की मैं और भी वीडियो लाती रहूंगी, तब तक के लिए थैंक यू।